आईपीएल 2020 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आईपीएल 2020 का डेट अब बहुत ही क्लोज आता जा रहा है। और आज हम बात करने वाले चार ऐसे टीम के बारे में जो कि शुरुआती मुकाबले मिस करने वाले हैं, विदेशी प्लेयर और जो कि बड़े बड़े प्लेयर जो कि इन टीम से निकल रहे हैं और ये स्टार्टिंग के मुकाबले मिस करने वाले इन चार टीमों की तरफ से। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली टीम के बारे में। तो गाइस सबसे पहली जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आपको स्टार्टिंग के मुकाबले मिस करते हुए नजर आने वाले हैं हैनी गर्नी, पैट कमिंस, क्रिस ग्रीन, टॉम बेंटन एंड योन मॉर्गन। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से स्टार्टिंग के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पांच खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से आप सभी को बाहर नजर आने वाले हैं। दो से तीन मुकाबले एक खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से मिस करने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को ये बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनमें जिन जिन प्लेयर का नाम है वो लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लेइंग इलेवन में शामिल रहने वाले थे। योन मॉर्गन जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली साइन यहाँ पे है और वो प्लेइंग इलेवन में शामिल रहेंगे। पैट कमिंस भी इसमें शामिल रहने वाले थे। क्रिस गेल एक्स्ट्रा में बैठ भी सकते थे लेकिन इन दो खिलाड़ियों का पूरी तरह से अभी वापसी होने वाला था। टॉम बेंटन भी जो कि पूरी तरह से ओपनिंग करते नजर आने वाले थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के तीन बड़े खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2020 के शुरुआती मुकाबले मिस करने वाले हैं, शुरुआती दो से तीन मुकाबले ये मिस करते हुए आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। तो कैसे हम बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। तो कैसे दूसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स। तो कैसे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इनके तरफ से भी बड़े बड़े खिलाड़ी आप सभी को शुरुआती मुकाबले मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कैसे सबसे पहले जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, टी करन, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक एंड एंड्रू टाई। तो कैसे राजस्थान रॉयल्स को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनमें जितने सारे खिलाड़ियों का नाम है तो कई सब सभी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं एंड सब मैच विनर खिलाड़ी है। तो कई राजस्थान रॉयल्स को सबसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनकी तरफ से जितने सारे खिलाड़ी हैं सब मैच विनर प्लेयर हैं एंड सभी प्लेयर जो कि प्लेइंग इलेवन में शामिल रहने वाले थे। चार प्लेयर यहाँ पे फॉरन प्लेयर जो कि शामिल हो सकते हैं जिसमें आपको आर्चर देखने को मिलने वाले थे, जॉस बटलर देखने को मिलने वाले थे, बेन स्टोक देखने को मिलने वाले थे, स्टीव स्मिथ देखने को मिलने वाले थे। अगर इनका अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे कुछ प्लेयर को लोग शामिल कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से स्टार्टिंग के मुकाबले मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में। तो गाइस तीसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से मोइन अली, एरन फिन, जॉस फिलिपी, केन रिचर्डसन। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से ये चार खिलाड़ी जो कि पूरी तरह से मिस करते हुए नजर आने वाले हैं और इसके बारे में हमें पहले से पता है और स्टार्टिंग के मुकाबले ये खिलाड़ी मिस करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इनका यहाँ पे एरन फिंच का नाम यहाँ पे स्क्वाड में शामिल रहेगा, प्लेइंग इलेवन में ये रहने वाले हैं, केन रिचर्डसन भी शामिल रहने वाले हैं तो इसके ऊपर हम सभी को पहले भी पता था। लेकिन जॉस फिलिपी का नाम रहेगा या नहीं इसके बारे में पता नहीं था लेकिन जॉस फिलिपी का भी नाम अब चुके और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे पूरी तरह से जॉस फिलिपी भी मिस करते हुए नजर आने वाले हैं स्टार्टिंग के कुछ मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से और इनको मौका मिल सकता था अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में ये शामिल नहीं होते तो। तो गाइस आने वाला वक्त बताएगा कि इनको प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी या नहीं, बट हम लोग उम्मीद करेंगे कि अच्छे परफॉर्म करे और जब भी मौका मिले ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके आरसीबी के फैंस के दिल में ये जगह बना ले छोटा सा पटाखा। तो गाइस अब हम बात करते हैं चौथी टीम के बारे में। तो गाइस चौथी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो गाइस सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से जॉनी ब्रेस्टो और दूसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम है मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लेने में, तो गाइस इनका नाम मैं नहीं ले सकता तो आप लोग यहाँ पे खुद यहाँ पे रेट कर लीजिएगा। और तीसरे खिलाड़ी जो निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है गाइस यहाँ पे एमर्स और डेविड वार्नर। तो गाइस डेविड वार्नर भी जो कि ए सारे इसके लिए शुरुआती मुकाबले मिस करते हुए नजर आने वाले हैं, इसके बारे में भी सनराइजर हैदराबाद के फैंस को पहले से पता है। तो गाइस ये प्रॉपर खिलाड़ी जो कि आप सभी को इन चार टीमों की तरफ से एक खिलाड़ी स्टार्टिंग के मुकाबले मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस ये रही पूरी लिस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।